नमस्कार गुरजन जी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे लाइव में। और दोस्तों, आज हम जो है बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान जो श्री राजपूत करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिस तरह से उनके साथ आज घर में घुस के और बदमाशों ने उनके ऊपर गोली चला दी, और जो कि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, उनके उनकी मौत हो गई इस हादसे में। और इसके ऊपर विस्तृत चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं राजस्थान जो सच कहूं जो न्यूज़पेपर है उसके स्टेट हेड गुरजन सिंह धालीवाल जी हैं हमारे साथ। तो गुरजन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। तो मैं आपसे, क्योंकि आपने, आपको पता ही होगा कि जिस तरह से जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ में जिस तरह की बदमाशों ने गोली मार दी दिन दहाड़े, और इतना रहसी इलाके में उनका मकान था जहाँ पे हमने देखा कि जहाँ उनका घर है वो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन उसके बावजूद दिन दहाड़े इस तरह की घटना हो जाती है, तो क्या मतलब आप किस तरह से इसको देखते हैं? नहीं, ये घटना बेहद निंदनीय है और राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान भी है। इससे पहले भी ये पहली कोई घटना नहीं है जिसको बदमाशों ने इस तरह से अंजाम दिया। सीकर में भी आपने देखा होगा कुछ अरसा पहले राजू ठेठ के घर में घुसकर बदमाशों ने मारा था, और अब ये बदमाशों ने, जब सरकार, नई सरकार का गठन हुआ नहीं, पुरानी सरकार चली गई, इसी बीच के दौर का जो फायदा इन बदमाशों ने उठाया है, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये भी एक गैंगवार की घटना है, और गैंगवार की इस घटना को अंजाम भी ऐसे लोगों ने दिया है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कुख्यात माने जाते हैं। तो गुरजन जी, अभी जिस तरह से हॉस्पिटल में जाके उन्होंने दम तोड़ दिया, और उसके बाद जो है देश भर के जो करणी सेना, आपको पता होगा कि करणी सेना का बहुत बड़ा एक ग्राफ है, और उसके उनके जो समर्थक हैं उन्होंने काफी जगह, जैसे अभी मैं, हमें सुनने में भी आ रहा था कि जैसे सादुलपुर में भी उन्होंने एक राजस्थान रोडवेज की बस पे पथराव कर दिया, इसके अलावा भी राजस्थान से काफी ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है आज देर शाम से, और जयपुर में भी जो है उस हॉस्पिटल के आगे का पूरा रास्ता जाम कर दिया है, तो थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे? नहीं, यह कोई राजगढ़ साइड की एक घटना नहीं है, जोधपुर में भी इसको लेकर आक्रोश था, जयपुर में भी काफ़ी आक्रोश जताया गया है, दिल्ली से इनका करणी सेना का एक कार्यक्रम 10 दिसंबर को होने जा रहा है, उस कार्यक्रम को जो लीड कर रहे हैं, जो लीडरशिप है राजपूत समाज की, वो भी इस को आक्रोश व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं, और मीडिया के साथ बातचीत के दौरान राजपूत समाज के दिग्गज जो लीडरशिप है उन्होंने भी अपना आक्रोश जताया है, और यहाँ तक कि कह डाला कि उन बदमाशों को जितना जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे राजपूत समाज में आक्रोश समेत रहते और ज़्यादा उग्र नहीं हो। जिस तरह से अभी गुरजन जी जो जयपुर के जो हालात हैं या प्रदेश में अन्य जगह जो हालात जो अभी बन रहे हैं आज शाम से, तो वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। हालांकि बीकानेर में भी ए श्रेणी की जो सिक्योरिटी है वो कर दी गई है, पूरे जिले को सील कर दिया गया है, जो आने जाने वाले जो व्हीकल्स हैं उनको, उनमें चेक किया जा रहा है उनको भी कि कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं आ रहा है जिले में प्रवेश कर रहा है, इस तरह का क्या मतलब जो कानून व्यवस्था को लेके, और क्या इस तरह के कोई आज कुछ ऑर्डर जारी हुए हैं डीजीपी ने? डीजीपी का भी एक बयान आ रहा था अभी शाम को। नहीं, डीजीपी ने तो पहले कह दिया कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया उनका, क्योंकि जिस हिसाब से बदमाशों ने गोलियां चलाई, और माना यह भी जा रहा है कि उनमें से एक बदमाश खुद भी घायल हुआ है क्रॉस फायरिंग में, लेकिन वो बदमाश अब घायल अवस्था में कहाँ चला गया, कहीं तो उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया होगा, कहीं न कहीं वो गया होगा किसी डॉक्टर के पास, तो उसको ट्रेस आउट अभी तक राजस्थान पुलिस नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस दावा जरूर कर रही है कि हम बहुत जल्द इसको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ये अच्छी बात होगी राजस्थान पुलिस के लिए कि वो इन बदमाशों को गिरफ्तार समय रहते कर ले, ताकि प्रदेश में और गंभीर कानून व्यवस्था न बिगड़े।
मैं आपको डीजीपी साहब का भी एक बयान सुना देता हूँ, डीजीपी साहब क्या इसके बारे में श्री बोल रहे हैं। राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगा मेडी की हत्या कर दी गई। हत्यारे बातचीत करने के बहाने से उनके घर में दाखिल हुए और शुरू में बातचीत भी किया और फिर उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीकांड में श्री गोगा मेडी को व उनके एक अंगरक्षक को गोली लगी। साथ ही जो आरोपी एक आया था इन हथियारों के साथ ही उसको भी गोली लगी। घटना के पश्चात ये लोग मौके से फरार हो गए दोनों हत्यारे। और जो बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से, तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया, 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉस फायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो हम जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत, वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था सर? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का। ये गुलजन जी, अभी हमने इनको देखा कि जो डीजीपी साहब भी बोल रहे थे उसके लिए, और ये जो आई थिंक ये भी पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसर्स थे जो उस मौके की घटना को बयान कर रहे थे, तो अभी की क्या प्रेजेंट मतलब देर रात की क्या है स्थिति? स्थिति ये है कि पुलिस की नाकाबंदी जारी है और जैसा कि पुलिस कमिश्नर ने बीजू जॉर्ज जोसेफ ने भी यही कहा कि क्रॉस फायरिंग में उनका जो उन बदमाशों को घर तक लाने वाले व्यक्ति की डेथ हो गई और वो जो दोनों बदमाश थे वो पड़ोस की कोई राहगीर से स्कूटी छीन के ले गए। अब वो स्कूटी पे कितनी दूर गए होंगे क्या होगा वो तो जांच का विषय है, लेकिन इसमें चिंताजनक बात यह है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कहीं और न हो, क्योंकि ये बदमाश कहीं फरार हो रहे हैं, पुलिस इनको धर पकड़ेगी कुछ करेगी, तो उससे बचने के लिए पुलिस को एक बहुत समझदारी के साथ काम लेना होगा और उनको पकड़ना होगा। जिस तरह से अभी हॉस्पिटल्स के आगे भी कुछ लोग मतलब जो राजपूत समर्थक हैं या करणी सेना के जो लोग हैं, वो उनका क्या है अभी मतलब स्टैंड? उनका स्टैंड यही है कि बदमाशों को गिरफ्तार किया, जैसे मकराना है जो करणी सेना के महासचिव भी हैं किसी संगठन के, क्योंकि इनके 2-3 ग्रुप बने हुए हैं, उन्होंने तो खुली चेतावनी दे दी है कि उन बदमाशों का एनकाउंटर होना चाहिए। तो उसका मतलब यह है कि राजपूत समाज में आक्रोश तो है और उस आक्रोश को बढ़ने से रोकने का उपाय पुलिस के पास ही है, उसको कितना जल्दी उन बदमाशों को गिरफ्तार करती है वो पुलिस पे निर्भर करता है। दूसरा ये था कि जो इसकी जो रोहित गोदारा जो गैंग है जो कि बीकानेर से ही बिलोंग करती है, उसने इसकी जिम्मेवारी ले ली है कि भाई ये हमने करवाया है, क्या सही है ये? उनका एक सोशल मीडिया पे जो है पोस्ट भी वायरल हो रहा था। नहीं, वो तो ये ऐसी घटना के लिए एक नहीं 2-3 बार जिम्मेदारी ले चुके हैं, राजू ठेठ मामले में भी इन्होंने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अभी तक राजस्थान पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई क्योंकि वो कहीं विदेश में बैठा है और उसके तार यहाँ के जो गैंगस्टर हैं उनसे जुड़े हुए। अब अच्छा यही होगा कि आगे यह गैंग किसी अन्य वारदात को, जैसा कि उन्होंने चैलेंज भी दिया आज की जो पोस्ट में भी अन्य किसी लीडर को या किसी अपने किसी दुश्मन को उन्होंने बोला है कि वो भी तैयार रहें क्योंकि हम उनको भी देखेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज और हो सकती है।
इसकी आशंका पूरी पूरी है। जी जी चलिए गुरजन जी, थैंक यू आपने इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, और आपने इस पे जानकारी दी, और जो हमारे साथ जो दर्शक भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनको भी एक मोटा मोटी काफ़ी जो धरातल की जो सच्चाई है वो देखने को मिलेगी। और आप आए हमारे साथ, थैंक यू। और धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दें, और हमारे पेज को भी फॉलो कर दें, और हमें लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।